जो है बायो स्टार्ट करते हैं। और बायो का जो है पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट से। वो जो है वो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको। वो कहाँ से स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको? वो स्टार्ट मैं करवा रहा हूँ आपको एनएमडी कैट की नहीं, कौन से बुक पे? नेशनल बोर्ड के बुक से जो है मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। सही है, नेशनल बोर्ड का बुक है, आप जो है देख सकते हैं, फेडरल टैक्स बोर्ड का। तो आज हम शुरुआत किससे करते हैं? आज हम शुरुआत करते हैं कि उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है। फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन जो है सबसे पहले दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, एक बोन्स एंड कार्टिलेज पे। एक बोन पे जो है करता है, और दूसरा कौन पे, किस पे करता है? दूसरा कार्टिलेज पे करता है। ये द स्केलेटन एक्ट एज अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द सॉफ्ट टिश्यूज। एक स्केलेटन जो होता है वो फ्रेमवर्क तौर जो है यूज़ होता है, और उसे जो वो जो है सॉफ्ट हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उसे सपोर्ट करता है। इट अलोज टू मूवमेंट एंड थ्रू द एक्शन ऑफ मसल्स अक्रॉस द जॉइंट। ये क्या करता है, जो हमारे हैंड को जैसे जो है हम मूवमेंट देते हैं उसमें जो है ये मदद करता है। और द स्टडी ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, और बोन और इस कार्टिलेज की स्टडी को, किसको? बोन एंड कार्टिलेज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियो का मतलब है बोन, लॉजी मीन्स स्टडी, लोगास मीन्स स्टडी, आपको पता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन पे। अब किस पे आते हैं? अब आते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन क्या होता है, उस पे आते हैं। अब हम किस पे आते हैं बेटा? अब हम आ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन पे। तो देखें स्ट्रक्चर ऑफ बोन क्या होती है, उस पे आ रहे हैं। तो देखें इंडिविजुअल बोन इज़ कम्पोज ऑफ वेरायटी ऑफ टिश्यूज़। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, तो बोन जो है टिश्यूज़ की बनी होती है, इंक्लूडिंग बोन टिश्यूज़, कार्टिलेज होते हैं, फाइब्रस, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, तो बोन में क्या होता है, टिश्यूज़ होते हैं। सही है, कौन से? फाइब्रियस, कनेक्टिव टिश्यूज़, और ब्लड एंड नर्व टिश्यूज़ भी होते हैं। द टर्मिनल ब्रॉड पार्ट, जो बोन का जो है टर्मिनल एंड ब्रॉड पार्ट, मतलब जो ये इसका सबसे बड़ा वाला जो पार्ट रहा, ये जो इसका जो है सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डायफास, और टर्मिनल ब्रॉड पार्ट आकार एपिफाइस, इसे हम क्या कहते हैं? जैसे आप यहाँ पे देखें जो है ये, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एपिफाइसिस कहते हैं। एंड जो इसके बीच में होता है उसे हम डायफाइसिस, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसे हम डायफाइसिस कहते हैं, या शाफ्ट कहते हैं उसे हम, इसे हम क्या कहते हैं? डायफाइसिस कहते हैं या शाफ्ट कहते हैं। विच आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कैविटी फिल्ड बाय द येलो बोन मैरो। इसके बीच में ये आप चीज़ें जो देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप जो देख रहे हैं ये एक येलो बोन मैरो, सही है। द आउटर कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द बोन इज कॉल्ड पेरिस्टियम। तो इसकी जो सबसे पहली जो लेयर होती है उसे पेरिस्टियम कहते हैं। जैसे ये देखें ये येलो बोन मैरो, ये येलो बोन मैरो से जो है पहली पहली जो लेयर है उसे हम पेरिस्टियम कहते हैं, सही है। एंड द इनर रीजन इज कॉल्ड एंडोस्टियम। एंड जो इसके अंदर जो होता है उसे हम, इसके बाद जो क्या होता है वो होता है एंडोस्टियम, उसके बाद क्या होता है? एंडोस्टियम होता है। तो ये आ गया यहाँ पे। अब आप देखें कि जो है बोन, ये जो बोन है अब आप देखें अब हम आते हैं कि दूसरे बारे में, द एंडोस्टियम फर्दर कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल पार्ट्स। एंडोस्टियम जो है पेरिफेरल पार्ट पे जो है मुश्तमिल होती है, एंड कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन, और उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। एंड द इनर बोन जो इसके अंदर होती है, इनर मास होता है, उसे हम स्पंजी बोन कहते हैं, जिसमें हमारा जो है बोन मैरो होता है। मोस्ट ऑफ स्पंजी बोन्स इज प्रेजेंट एपिफाइसिस। बहुत ज़्यादा जो है स्पंजी बोन, जो स्पंजी बोन का जो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो कहाँ होता है? वो एपिफाइसिस में होता है, जैसे आप देख सकते हैं। आप
देख सकते हैं, ये रहा हमारा एपिफाइसिस, ये देखिए आप एपिफाइसिस रहा, यहाँ पे हमारा क्या रहा, यहाँ पे हमारा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस में आप देखें जो सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारे पास, स्पंजी बोन होता है, स्पंजी बोन का जो सबसे ज़्यादा ऐसा कहाँ होता है, एपिफाइसिस में होता है। और द रेड बोन मेरो इज़ आल्सो फाउंड इन दिस स्पेस ऑफ स्पंजी बोन मेरो। तो ये जो रेड रेड आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या होता है, ये जो है स्पंजी, ये रेड बोन मेरो है, सही है। अब यहाँ से आते हैं, देखें आप, तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ से आप देख लें कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसोसिएट विथ बोन, बोन तीन टाइप तो के होते हैं बोन के सेल, सही है, जिसे हम ऑस्टियोजेनेटिक सेल्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस से। सबसे पहले आता है ऑस्टियोब्लास्ट, सबसे पहले क्या आता है ऑस्टियोब्लास्ट, जिसे हम बोन फार्मिंग सेल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बोन फार्मिंग सेल कहते हैं, जिसे हम बोन फार्मिंग सेल कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट को हम बोन फार्मिंग सेल कहते हैं। ये कब हमें काम आता है, दैट सिंथेसाइज द सीक्रेट अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस, ये जब जब हमारे बोन में जब हमें कोई चोट लगती है तो उस जब हमें कोई मतलब चिप्पा आ जाती है तो आप देखते हैं एक अनमिनरलाइज्ड सब्सटेंस जो है बोन से बाहर आ जाता है, तो उससे जो है क्लियर करने के लिए हम जो है ऑस्टियोब्लास्ट की सेल की मदद लेते हैं। वंस ऑस्टियोब्लास्ट आर सराउंड बाय मैट्रिक्स, एक बार अगर ऑस्टियोब्लास्ट अगर मैट्रिक्स से सराउंड आ जाए, दे बिकम द ऑस्टियोसाइट, तो वो ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं। ऑस्टियोसाइट हम किसे कहते हैं, मेंटेन हेल्दी बोन टिश्यू बाय सिक्रेटिंग एंजाइम। तो ऑस्टियोसाइट क्या करता है, उसे उसके जो हमारे जो मैट्रिक्स होता है उसके ऊपर क्या करता है, एंजाइम को रिलीज़ करता है एंड इन्फ्लुएंसिंग बोन मिनरल कंटेंट, और उन जो भी मटेरियल होता है उनको साफ कर देता है। दे आल्सो रेगुलेट द कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन टिश्यू ऑफ द ब्लड, और ये इनका दूसरा काम होता है कैल्शियम को रिलीज करवाना बोन टिश्यू से। अब इनका लास्ट पार्ट है वो है ऑस्टियोक्लास्ट आर बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, अब इसकी जो है दूसरी पिक्चर पर आ रहे हैं वो कौन सी है, ऑस्टियोक्लास्ट की है, तो अब इसकी जो है दूसरी पिक्चर पर अब हम देखें ऑस्टियोक्लास्ट पर आ रहे हैं जो लास्ट टाइप है इसका। तो ऑस्टियोक्लास्ट किसे कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट आपको बिल्कुल पता है, ऑस्टियोक्लास्ट जो है सेल डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं, सही है। ऑस्टियोक्लास्ट परफॉर्म अ बोन रिसॉर्प्शन, बोन को जो है तैयार करता है वो ऑस्टियोक्लास्ट होता है। दे ब्रेक डाउन बोन एंड डिपॉजिट कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड, ये इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, बोन को जो है ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से कैल्शियम और फास्फेट जो है ब्लड में जो है जमा करते हैं। द वर्क ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट इज़ इम्पोर्टेंट टू ग्रोथ एंड रिपेयर द बोन, ऑस्टियोक्लास्ट का जो है सबसे अच्छा काम ये है कि वो क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं और रिपेयर करते हैं बोन को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब आगे हम जो है कार्टिलेज पढ़ेंगे।